हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, हर गर्भवती महिला चाहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका वजन ज़्यादा ना बढ़े ताकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, साथ ही उसका शिशु भी बहुत मजबूत हो, बहुत तंदुरुस्त हो, उसका विकास बहुत अच्छा हो। लेकिन प्रेगनेंसी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो ठीक से खा नहीं पाती हैं, तो उनके लिए पोषण की कमी को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी समस्या को हल करने के लिए आज मैं आपको स्प्राउट्स के बारे में बताने वाली हूँ, अंकुरित अनाज के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को खतरा ना हो। दूसरी चीज़, इसके कितने ज़्यादा लाभ हैं और इसको यूज़ करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप एक कप स्प्राउट्स डेली खाते हैं तो आपकी डेली की फोलेट की नीड 90% पूरी हो जाती है। साथ ही इसके अंदर आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके शिशु के कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। शिशु की स्किन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नियमित स्प्राउट्स का सेवन करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी बहुत आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को खून की कमी रहती है, तो अगर आप नियमित स्प्राउट्स का सेवन करती हैं तो आपको खून की कमी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, स्प्राउट्स को खाने में रिस्क भी बहुत होता है प्रेगनेंसी के दौरान। वो तब जब आप इसको गलत तरीके से खाते हैं। गलत तरीका क्या है? तीन तरीके हैं जो गलत हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसे कच्चा खाएं, दूसरा तरीका आप इसको फ्राई करके खाएं, और तीसरा तरीका आप इसको उबाल के खाएं। तीनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप इसको सही तरीके से खाएंगे तो आपको इसका पूरा पोषण मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि स्प्राउट्स में जब स्प्राउट्स बनता है तो वो नम होता है और नमी वाली जगह पे बैक्टीरिया पनपते हैं, जैसे कि ई कोलाई, लिस्टीरिया, साल्मोनेला, और ये बैक्टीरिया आपके पेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। स्प्राउट्स को खाने का सही तरीका है इसको स्टीम करके खाना। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो भी बैक्टीरिया आप ले लेते हैं, अगर आप इसको फ्राई करते हैं, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, कम फ्राई करेंगे तो बैक्टीरिया पूरी तरह से नहीं खत्म होंगे, और अगर आप इसको उबाल के खाते हैं तो पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ स्टीम करते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, इडली स्टीम करते हैं, ढोकला स्टीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्टील के बर्तन में स्प्राउट्स को डाल के आप उसे स्टीम करके पका लीजिए। इस तरह से पकाने के बाद में आप उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जिसमें कि विटामिन सी होता है, धनिया पत्ता, काला नमक, नींबू का रस, ये सारी चीज़ें ऐड करके और इसको अपनी पसंद के मुताबिक बना के इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही, आपको जब से अच्छा लगता हो, आप खा पा रहे हो, तो स्प्राउट्स का सेवन ज़रूर करें। एक मुट्ठी स्प्राउट्स अगर आप डेली खाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये आहार के साथ ही आपके लिए एक बेस्ट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब मॉम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।